हेलो गाइस, वी आर प्रेजेंटिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12। जैसे कि पहले मैंने इंट्रो लेक्चर में बताया था आपको कि अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स होते हैं, जो कि तीन पिलर हैं जिसके, जैसे कि पहला है कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइम जब हमने कुछ डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है, कैलकुलेशन में क्या है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि अब हम लोग जैसे क्लास 12 का हम अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे, तो अकाउंट्स का पहले हम कुछ स्ट्रक्चर समझ लें कि स्ट्रक्चर क्या होता है। आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि एक्चुअली कंसेप्ट में थोड़ा सा हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला है ऑब्जेक्टिविटी, कि हम अकाउंट्स किसके लिए बढ़ रहे हैं। अकाउंट्स हम उस एंटिटी के लिए बढ़ रहे हैं जो अपना एक उसका ऑब्जेक्ट कुछ हो। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जैसे कि देखो आप इसके अंदर तीन चीज़ें दिख रही हैं, क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट एंड अर्निंग्स, मोर अर्निंग एंड प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट अर्निंग। पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एंटिटी क्या है, जो बिजनेस करना चाह रहा है वो एंटिटी है। आप नॉर्मल भाषा में समझो, सिंपल है, जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, पहला है लिमिटेड प्रॉफिट्स एंड अर्निंग। ऐसी कुछ एंटिटीज होती हैं जिसका लिमिटेड प्रॉफिट्स होता है, कुछ अर्निंग्स होती हैं, वो हम अभी आगे देखते हैं। एक ऐसी एंटिटीज होती हैं जो मोर अर्निंग एंड प्रॉफिट्स कमाना चाहती हैं। अब आप सोचो ऐसा कौन सा बिजनेस होगा जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता होगा, सभी चाहते हैं। लेकिन पहले हम ये डिवाइड कर लें कि कौन सी एंटिटीज़ हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहती हैं। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में करना चाहता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। ये हम लोग क्लास 11 में पहले ही बिजनेस स्टडीज़ में आप लोग डिस्कस कर चुके हो, बहुत अच्छे से जानते हो, वो मुझे कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने की यहाँ पर। दूसरा है पार्टनरशिप, जब एक से ज़्यादा कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉइंट वेंचर में कुछ भी आप मान के चलो, मतलब एक से ज़्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उसको हम पार्टनरशिप LLP या OPC बोलते हैं। OPC मतलब 1% कंपनी होता है, LLP एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ही होता है, अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं आएंगे। फिर होता है कंपनीज भी हम जानते हैं कि कंपनीज क्या एक आर्टिफिशियल एंटिटीज होती है, जो हमने क्लास 11 में बहुत अच्छे पढ़ाई, लेकिन अभी ये मैटर नहीं है, हम लोग आगे और पढ़ते चले जाएंगे जब हम देखेंगे। दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट अर्निंग, कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कुछ करती भी हैं, कुछ वर्किंग करती हैं, लेकिन उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, उनको हम NPO एंड NGOs बोलते हैं। जैसे आप लोग जानती हैं, जैसे हमारी बींग वूमन है, उड़ान है, व्हाटएवर, बहुत सारी NGOs हैं, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया था, लिमिटेड अर्निंग्स कौन सी हैं, लिमिटेड अर्निंग एंटिटीज़ होती हैं इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें 12th में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। फिर होता है, अभी हमने देखा ऊपर, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसकी अकाउंटिंग हम लोग 11th में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जब हम 12th में हम पढ़ रहे हैं, तो हम किसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, हम 12th में हम मेजर पार्टनरशिप कंपनीज एंड NGO, तीन हमारे फॉर्म हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं, जिसकी हमें अकाउंटिंग सीखना है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी क्या है हमारी, आप देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर क्या है हमारा, हमें क्या क्या पढ़ना है 12th में। फिर हम लोग ज़रा चलते हैं आगे। देखो सबसे पहला है कंपनीज, ठीक है, हम लोग अभी ये डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन से चैप्टर में पहले पढ़ना है, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है आगे। सबसे पहला है कंपनीज, कंपनीज में देखो हमें दो टाइप के पढ़ना है, एक अकाउंटिंग करनी है उनकी, और दूसरा एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब हम पहले क्या बनाए, पहले हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम उनकी एंट्रीज करेंगे, हम उनकी बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है ना। जब वो बन जाएगा फिर हम उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइज हमारे पार्ट 3 में है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि पार्ट 3 में क्या क्या है, पहले हम लोग यही डिस्कस कर सिर्फ ओनली एंड ओनली कि हमें पढ़ना क्या है। दूसरा है पार्टनरशिप एंड NGO, इनकी हमें सिर्फ अकाउंट्स बनाना है, हमें कोई एनालाइज नहीं करना है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, कौन सा बिजनेस कंसर्न बेकार है, ये क्या टूल्स हैं, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। अब मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हमें हमारे तीन पिलर होते हैं, वो हमें पढ़ना पड़ता है, जिसके मैं आज मैं आपको पहला स्टेप कराने जा रहा हूँ, वो है कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। इसमें हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट हैं उनको हम कॉमन पूल बोलेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे पूरे पार्टनरशिप, एंटायर पार्टनरशिप, कुछ शेयर्स कंपनी के अकाउंट में और कुछ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम आने वाले हैं, एनेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आज पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करूँगा कि पार्टनरशिप में कुछ पार्ट आने वाले हैं जो हमारे कॉमन पूल में कवर होंगे, वो हमारे पूरी पार्टनरशिप, एंटायर पार्टनरशिप में यूज़ होने वाले हैं। देखो मैं चाहता था कुछ सीधे डायरेक्ट पार्टनरशिप को पहला चैप्टर से स्टार्ट करा सकता था, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले आपके दिमाग में कुछ बैठ जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि हम इससे फैमिलियर हो सकें, नहीं तो क्या होगा, हम क्वेश्चन हम कराना स्टार्ट कर देंगे, कंसेप्ट कराना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा माइंड में बैठता नहीं है, हमें ऐसे पढ़ते चले जाते हैं नॉर्मल वे में। लेकिन हमें क्या देखना है, पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, हम थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं,
इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहला है मेन है, पूरी एंटायर पार्टनरशिप में हम लोग एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो है रेशो। देखो रेशो की मैं कुछ ट्रिक्स यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हमें पूरा कैलकुलेशन पार्ट आने वाला है। अगर हम कैलकुलेशन पार्ट नहीं सीखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो हमारी पार्टनरशिप में कहीं कहीं पर कई सारे फ्लॉज देखने को मिलेंगे आपको, और कई सारी डिस्कस जब हम रेशो सॉल्व करेंगे, उनको कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको समझ के चलें, और बार बार हमारे इसमें यूज़ होने वाला है। जैसे देखो पहला है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, हम नॉर्मल अभी देखो मैं आपको कुछ चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अभी आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन और कुछ कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहला पार्ट है रेशो। रेशो मतलब कि सिंपल सा आप ये सोचो कि दो बंदे जब वर्किंग कर रहे हैं, तो जो दोनों बंदे हैं वो किस रेशो में अपने बिजनेस को शेयर करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल है अभी। लेकिन मुझे ये नहीं बताना है कि पार्टनरशिप क्या होता है क्या नहीं, अभी आपको मैं सिंपली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। सिंपल आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए और पूरी पार्टनरशिप में ये यूज़ होने वाला है। जैसे कि पहला है 10%। 10% को देखो हम कैसे लिखते हैं, सीधे परसेंटेज में 10%, लेकिन हम इसको फ्रैक्शनल में लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम फ्रैक्शनल में लिखते हैं 1/10। देखो ये आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कई सारी चीज़ें हमारे कंसेप्ट माइंड में एंटर हो जाएंगी। पहले 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5। फिर हम लिख सकते हैं 25% को 1/4। 33.33% को हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये दिमाग में एक बार एंटर कर गया कि होने आगे वाला क्या है, तो हम इसको इजी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। 66.667% को हम लिख सकते हैं 2/3। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। और 100 को हमेशा टोटल 1 माना जाता है। देखो पूरी पार्टनरशिप में हर जगह ये चीज़ आने वाली है, इसलिए मैं आपको ये लिखा रहा हूँ कि आपको कहीं आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, 10% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/10। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5। 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4। 33.335% को लिख सकते हैं 1/3। और 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। 66.6% को हम लिख सकते हैं 2/3। 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। 100% को लिख सकते हैं 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा है यूनिटरी मेथड। देखो यूनिटरी मेथड हमारे पूरा एंटायर नए फॉर्म में पूरी एंटायर बिजनेस स्टडी में आने वाला है, पूरे हमारे सेकेंड बुक में भी आने वाला है, मतलब कि कंपनीज अकाउंट्स में। फिर उधर थर्ड बुक मींस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड बुक में भी आने वाला है, जिसमें रेशियो एनालिसिस में बहुत आएगा। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक वैल्यू ऑफ गुड, एक वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ है तो उसके 100% वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सिंपल सा जैसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपके पहले नॉर्मल सी समझाता हूँ। जैसे आप ये समझो कि आपके पास 20 रुपये हैं और वो 20% के इक्वल है। देखो अभी इस शीट पे मत जाओ, मैं भी नॉर्मल पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास 20 रुपये हैं और वो 20% के इक्वल है, तो 100% कितना होगा, सोच के देखो जरा। देखो वो हुआ 100%, ठीक है। कैसे आया, 20% ऑफ x इक्वल टू 20। 20 को हमने कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने ऊपर देखा नहीं है का, चलो कोई बात, हमने 20 को हम 20% है, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। वैसे मैंने ऊपर लिखा होगा, सही कोशिश तो की होगी मैंने, हाँ ये है, ठीक है। तो 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो जब भी यूनिफॉर्म मेथड आएगा या यूनिटरी मेथड आएगा, तो आप इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप ये देखो कि जो वैल्यू दी है वो कितने परसेंट के इक्वल है, और उसका रेसिप्रोकल से हमेशा मल्टीप्लाई कर दो, तो होल वैल्यू ऑफ 100% आ जाएगी आपकी। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल है। जैसे कि इसमें देखो 20% इक्वल टू 10,000, सिंपल सा है। अभी देखो मैं आपको यूनिफॉर्म वर्ड में इसलिए समझा रहा हूँ, अभी ये आगे वर्डिंग फॉर्म में आने वाला है, ये टेक्स्ट फॉर्म में आएगा, एक सेंटेंस फॉर्म में आएगा ये, इसीलिए मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि पहले हम इसको समझ लें। जैसे यहाँ पर देखो पहले दिया हुआ है 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 10,000, यानी कि एक नॉर्मल भाषा में समझो, एक किसी बंदे के पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन वो कहता है मेरे पास ये 20% का शेयर, तो 100% कितना होगा, सिंपल है। 20% को हमने 1/5 लिखा है ऊपर, अभी हमने देख के आए, उसको हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। समझ आया कि टोटल वैल्यू 50,000 है, उसमें से इसको 20% अमाउंट मिला। जैसे सेकंड चेक करते हैं, जैसे 75,000, एक बंदा बोलता है कि मेरे पास 25% अमाउंट है जो कि 75,000 रुपीज़ है,
तो 100% कितना होगा? सिंपल है, 25% को मन में 4 लिख सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 3 लाख। अब 3 लाख का 25% निकालोगे तो 75,000 की कुल आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब है कंसेप्ट नंबर 3। तो कंसेप्ट नंबर 3 में पूरी पार्टनरशिप में सिंपल से आप ये देखो, पहले तो मेन है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं। जितने भी नंबर ऑफ पार्टनर होंगे उनके रेशोज का सम हमेशा ऑलवेज 100 होगा। कितना होगा? 100%। और 100% इक्वल टू, अभी मैंने बताया ऊपर, वो था 1, ठीक है। एक बार चेक कर लें 1 कैसे है। ये है 1, दिख रहा है, ठीक है। तो ये था 1। तो जितने भी पार्टनर होंगे उनका हमेशा शेयर का रेशियो टोटल हमेशा 1 होगा, ये बात हमेशा याद रखो। जैसे सिंपल है 1 मतलब 100%। अब जैसे मैंने बोला क्वेश्चन में कि मिस्टर ए हैं, उनके पास ए और बी हैं, 2% है, वो 25, ए का सपोज 25% रेशियो है, तो बी का कितना होगा? सीधा कुछ नहीं करना है, हमें मालूम है टोटल 100% होता है, तो बी का कितना होगा? 75%। कोई दिक्कत? तो रेशियो इसको यूनिफॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 25% को कैसे लिख सकते हैं? ऊपर हम देख क्या है, 1/4, तो 1/4 देख लो। अब 1/4 है तो बी का कितना है? 75%। इसको हम कितना लिख सकते हैं? 3/4। जब हम दोनों का टोटल लगाओगे तो आपको 1 दिख जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन हम चेक करते हैं। जैसे ए का रेशियो है 33.33, बी का है 40% और सी का बताना है हमें, तो टोटल रेशियो तो 100% ही होगा, है राइट? 100% होगा। तो हम आप चेक कर लो तीसरे का रेशियो कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 26.6 है, 100 - 73.33। कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो अभी ये हुआ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ हमारा। अब हम लोग कल से बिल्कुल मैं बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, हमें बेसिक चीज़ें। कल हम फुल फ्लैश पार्टनरशिप पर आ जाएंगे, हमें फर्स्ट लेक्चर, ये भी मैं थोड़ा बेसिक है, मैं कुछ और भी चीज़ें बताना चाह रहा था, लेकिन अभी हम लोग ये माइंड में हम थोड़ा सा एंटर कर चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है आगे, ठीक है ना। हम कल से पूरी फुल पार्टनरशिप में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। चलो गुड बाय, बाय बाय।